की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की बहने है, भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहने है, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने है, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, ये विशेषता। नमस्कार, मेरा नाम रेशा वैशाख है, मैं दूसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं हिंदी दिवस के अवसर पर तितली रानी नामक का एक काव्य की प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, क्या तुम कोई सहदारी हो परलोक से आए हो, क्या तुम कोई सहदारी हो परलोक से आए हो, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, क्या तुम कोई शहजादी हो परलोक से आए हो, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते फूल हमें भी बांटते हैं, फूल तुम्हें भी अच्छे लगते फूल हमें भी बांटते हैं, वो तुमको कैसे लगते वो फूल तोड़ ले जाते हैं, वो तुमको कैसे लगते वो फूल तोड़ने जाते हैं, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, तितली रानी इतने सुंदर पंख कहाँ से लाए हो, क्या तुम कोई सहजादी हो परलोक से आए हो, क्या तुम कोई सहजादी हो परलोक से आए हो, धन्यवाद। मेरे प्रणाम, आज हिंदी दिवस पर मैं एक कविता प्रस्तुत करना जा रहा हूँ। माँ की ममता है हिंदी, पिता की छाया है हिंदी, हिंदुस्तान की पहचान ये हिंदी, भारत माँ की शान ये हिंदी, शहीदों और वीरों की भूमि ये हिंदी, हर भारतीयों का आधार है हिंदी, हिंदुस्तान की शक्ति है हिंदी, भगवान की आशीर्वाद है हिंदी।
शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। आज मैं हिंदी दिवस की उपलक्ष में एक कविता सुनाऊंगी जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माता की लालट चम चम करती बिंदी है, वे हमारी राष्ट्र की संवह भाषा हिंदी। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, इसमें हमें माँ है, सबसे सरल सबसे अनोखी ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, इसमें छोटों के लिए प्यार। हिंदी है हिंदी की धड़कन, हिंदी से बड़ा हिंदुस्तान है। मानो अंग्रेजी पूरी दुनिया चुराती है, पर हिंदी की तो हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। आओ हम सब मिलके हिंदी दिवस मनाए। धन्यवाद। हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। हर वर्ष 14 सितंबर को संपूर्ण भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी भारत की सबसे प्रमुख भाषा है। हिंदी देश की संस्कृति और संस्कारों का प्रतिबिंब है। सन 1949 में हिंदी को हमारे देश में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त हुआ और तब से हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा माना जाता है। हिंदी के प्रति जागरूकता बढ़ाने में इस दिन का महत्वपूर्ण योगदान है। हिंदी दिवस पूरे भारत में बहुत उत्साह और गर्व के साथ मनाया जाता है। शिक्षण संस्थाओं से लेकर सरकारी दफ्तरों तक सभी हमारी राष्ट्रभाषा को सम्मान देते हैं। हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी हमारी आशा है। हिंदी देश की बिंदी है, हिंदी भारत की बिंदी है। हिंदी हमारी आंग है, हिंदी हमारी शान है। धन्यवाद। नमस्कार, आज हिंदी दिवस पर मैं मोहम्मद कैस आज सभी का अभिवादन करता हूँ। मैं आज हिंदी दिवस पर आज सभी को कविता सुनाने जा रहा हूँ। इसको कबीर ने अपनाया, मीरा बाई ने मान दिया, आजादी को दीवानों ने इस हिंदी को सम्मान दिया। हिंदी हर क्षेत्र में आगे है, इसको अपना कर नाम करे, हम देशभक्त कहलाएंगे। हिंदी हम सबकी खुशहाली, हिंदी विकास की रेगा है। हिंदी में ही इस धरती ने हर ख्वाब सुनहरा देगा है। तो आइए हिंदी बोले सीखे और सिखाए। धन्यवाद। मैं दिशा दिलीप राज, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। हम भारत में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी हिंदी है। आओ दोस्तों, इस हिंदी दिवस में आप सबको मैं एक अक्षरों का पेड़ दिखाती हूँ। ये है वर्णमाला का पेड़। इसमें मैंने स्वराक्षर, व्यंजनाक्षर और समिताक्षर लिखा है। नारंगी रंग स्वराक्षर है और गुलाबी रंग व्यंजनाक्षर और संयुक्ताक्षर है। धन्यवाद। आज आपके सामने हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता पेश करना चाहती हूँ। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चलना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकिया सिंधु में खोता खोल लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट के आता है। मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में।
ठिस की खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। यह कमी रह गई, देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जैसे कार नहीं होती, कुछ किए बिना जैसे कार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम श्रीता हूँ। आज हिंदी दिवस है, इसलिए मैम सोहला द्विवेदी के संदेश नामक कविता यहाँ प्रस्तुत करती हूँ। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहरा कर मन में गहराई लाओ। समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तार तरंग, भर लो अपने दिल में मीठी मीठी मृदुल तरंग। पृथ्वी कहती धैर्य न छोड़ो, कितना ही हो सिर पर भार, नभ कहता है फैलो इतना टकलो तुम सारा संसार। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग मैम। सुप्रभात बच्चों, कौन सा तारीख है? 14 सितंबर। हाँ, आज की विशेषता क्या है? आज हिंदी दिवस है। बिल्कुल सही, इसलिए आज हम सिर्फ हिंदी में ही बात करेंगे, ठीक है? बिल्कुल मैम, जरूर। आज हम सब मिलकर हिंदी दिवस जरूर मनाएंगे। धन्यवाद। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव भारत में भरदे। वरदे वीणावादिनी वरदे, प्रिय स्वतंत्र अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंकुर के वन अंतर बहा जनन ज्योतिर्मयन अक्षर, काट अंकुर के वन अंतर बहा जनन ज्योतिर्मयन अक्षर। कलश भेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे। स्वतंत्र अमृत मंत्र नम भारत में भर दे। नव गति नव लय ताल छंद नव भवन कंठ नव जलद मंत्र रव। नव गति नव लय ताल छंद नव भवन कंठ नव जलद मंत्र रव। नव नव की नव विगत अमृत मंत्र नम भारत में भर दे। सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सब लोगों के हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। सब लोगों को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।